बेटे जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स ऑफ अ ट्रेट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी बेटे कहेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स टोटल नंबर ऑफ द जीन्स ऑफ द ट्रेट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद जो टोटल नंबर ऑफ द जीन्स होंगे जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को जो मुख्तलिफ ट्रेट्स कहते हैं बेटे करेक्टरिस्टिक्स को खुसियात को फॉर एग्जाम्पल आंखों का कलर है ब्लड ग्रुप है स्किन कलर है बालों का कलर है हाइट है इंटेलिजेंस है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे ये ट्रेट्स कहलाएंगे ये कैरेक्टर्स कहलाएंगे तो बेटा इन कैरेक्टर्स को जो जीन्स कंट्रोल करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसके बाद बेटा एक और कैरेक्टर एज डिस्ट्रीब्यूशन एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं द डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे द डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे बेटा उस कैरेक्टर को एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंसान की एक पॉपुलेशन लेते हैं एक शहर के अंदर एक महल्ले के अंदर जो इंसान है जो ह्यूमन बीइंग है जो होमो सेपियंस है उनकी अगर एज स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो आप देखते हैं कि वाजे तौर पे हम तीन कैटेगरीज बना सकते हैं एक वो होंगे जो कि चाइल्ड जो कि चिल्ड्रन होंगे जो कि बच्चे होंगे दूसरा यूथ की कैटेगरी हम बना सकते हैं और दूसरा क्या होगा जो ओल्ड एज के लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं क्या होंगे उनकी एक कैटेगरी बना सकते हैं तो जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होंगे जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होंगे हम उसे क्या कहते हैं बेटा एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बेटे ये मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं एक और करेक्टर हम देखते हैं डेयर स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी होगी वो कैसे बिल्ड करती है हम सारे जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशंस असेंबल टुगेदर द डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कम्युनिटी जो मुख्तलिफ किस्म की जो पॉपुलेशंस हैं वो क्या करती हैं वो कंबाइन करती हैं और क्या बनाती हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं द डिफरेंट पॉपुलेशंस द डिफरेंट पॉपुलेशंस combine together which are located at same place and at the same time will be called as community उसे community कहते हैं जो different populations हैं which are present at the same place and at the same time will be termed as a community usko beta kya kehte hain hum community kehte hain ab jo community hai wo ek higher level of organization hai jiske andar mukhtalif qisam ki jo populations hai wo kya karti hain wo combine karti hain aur wo combine karke community level of organization banati hain ye ek dynamic kya hai level of organization hai for example ek pond hai एक पॉन्ड है इसके अंदर बहुत सारे एक पॉन्ड जिसके अंदर क्या करते हैं बेटा बहुत सारे किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं अब एक पॉन्ड है उसके अंदर क्या होगा बेटा उसके अंदर मुख्तलिफ जो टाइप्स की फिशेस मौजूद होंगी मुख्तलिफ किस्म की मछलियां जो है वहां पे मौजूद होंगी मुख्तलिफ किस्म की मछलियों की पॉपुलेशन मौजूद होगी इसके बाद बेटा
मुख्तलिफ जो है फ्रॉग फ्रॉग मौजूद होंगे। इसके अलावा बेटा उसके अंदर टर्टल और टॉर्टाइस मौजूद होंगे। इसके अलावा उस पॉन्ड के अंदर प्लांट्स, इसके अलावा एलजी की मुख्तलिफ जो वैरायटीज हैं वो वहां मौजूद होंगी। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं, फिशेस हैं, फ्रॉग है, टर्टल और टॉर्टाइस हैं, प्लांट्स हैं, एलजी हैं, बैक्टीरिया है, उसमें अमीबा जो है वो मौजूद होंगे। ये सारी जो स्पीशीज का मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ है, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के साथ है, लेकिन वो कंबाइन करते हैं और वो दे आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, वो एक ही प्लेस के ऊपर मौजूद होते हैं और एक ही टाइम के अंदर मौजूद हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कम्युनिटी कहते हैं। तो बेटे कम्युनिटी की दो टाइप्स होती है, कम्युनिटी की दो टाइप्स हैं। कम्युनिटी की जो पहली टाइप है उसे कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। और दूसरी जो टाइप है उसे कहते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। जो सिंपल कम्युनिटी है वो क्या होगी बेटा, जो आइसोलेटेड कम्युनिटी है, जो आइसोलेटेड कम्युनिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंपल कम्युनिटी। द आइसोलेटेड कम्युनिटी जो अलग थलग कम्युनिटी होगी तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको क्या कहेंगे, उसको सिंपल कम्युनिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया के अंदर किसी पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव अगर आबाद है, ठीक है, अगर एक ऐसी जगह के ऊपर अलग थलग एक पॉन मौजूद है, एक फॉरेस्ट का एरिया मौजूद है जिसके इर्द गिर्द और कोई कम्युनिटी मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटे, उसको सिंपल कम्युनिटीज कहेंगे। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो क्या होगी बेटा, जो इंटररिलेटेड कम्युनिटीज हैं, इंटररिलेटेड कम्युनिटीज विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। वो कम्युनिटी जिसके इर्द गिर्द और बहुत सारी कम्युनिटीज पाई जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहेंगे। तो इंटररिलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, उसको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और सिंपल में क्या होगा, जो आइसोलेटेड कम्युनिटी है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, उसको हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज हैं वो मौजूद नहीं होती। बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर आता है कि डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिफाइन करें, ये आता है, एंड राइट ऑन द डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट लिखें। इसके अलावा बेटा आता है कि डिफाइन कम्युनिटी, गिव द एग्जाम्पल्स, कम्युनिटी को डिफाइन करें और उसकी कोई मिसाल दें, उसकी मिसाल पॉन्ड हो सकती है, उसकी मिसाल कोई लेक हो सकती है, उसकी मिसाल कोई फॉरेस्ट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर आता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है कि डिस्कस द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटी ये आज का लेक्चर है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।